बस कुछ घंटों का इंतजार, हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड जारी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। किसी को चाहिए मनपसंद बकरा तो किसी को तलाश है मनपसंद बछड़े की। बच्चे मनपसंद जानवर लेने के लिए बजट। दूसरी जानब व्यापारी भी अपनी मर्जी के दाम वसूल करने लगे। ईद कुर्बान करीब आते ही हर तरफ खूबसूरत जानवरों की धूम। मुजफ्फरगढ़ के मुकामी ताजर के भारत से लाए गए जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। और तक से 31 वजनी भैंस और राजस्थानी बैल के नाजो नखरे ही निराले। मुजफ्फरगढ़ की मंडी में 30-30 मन के तीन खूबसूरत बैल एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। तीनों बैल ही खूबसूरती में अपनी मिसाल। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। छुरियां टोके तेज करवाने वालों की और करने वालों की चांदी हो गई। शहरी भी करने लगे तैयारी। मियांवाली भक्कर और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छुरियां टोके तेज करवाने वालों की दुकानों पर रश लग गया। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे शहरी परेशान। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। कसाबों ने भी कर ली शहरियों को लूटने की तैयारी। कसाबों के नखरे भी आसमान को पहुंच गए। हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए मजीद बुकिंग लेने से इनकार। उधर अनाड़ी कसाईयों ने भी कमर कसी मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। मियांवाली में बाराने रहमत बरसने से सब चारा जात की कीमतों में कमी। 450 रुपए मिलने वाला चारा 300 रुपए फी मंथ में फरोख्त होने लगा। बाजरा मकई और जवार की कीमत में 150 रुपए की कमी। खरीदारों की खुशी दीदी कहते हैं जानवरों को पेट भरकर चारा खिला सकेंगे। ईद कुर्बान पर सफाई ऑपरेशन के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। मुल्तान लैया बहावलपुर लोधरा बिहाड़ी शुजाबाद समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में सफाई प्लान मुरतब। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए बैग तकसीम। मशीनरी किराए पर ले ली गई। डेली वेजेस पर अमला तैनात। शहरी औलिया के मुख्तलिफ सेक्टर में 15 अफसरान को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। मसाजिद में नमाज ईद की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा जहीर अब्बास शिराजी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ईदगाहों और मसाजिद का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर रहीम या खान सैयद मूसा रजा का खानपुर का दौरा। शहर में सेहत और सफाई के मामलों को बेहतर करने की हिदायत। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। मुलाजमीन की ड्यूटियों का जायजा लिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुल्तान में मखदूम रशीद और मुलहका इलाकों में लोड शेडिंग तवील तर हो गई। शहरियों का एहतजाज मोटरवे ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मौतल। गाड़ियों की लंबी लाइनें। मुजाहरीन की मैपको के खिलाफ नारेबाजी। उधर लोधरा में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुल्तान बहावलपुर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। पुलिस और मैपको इंतजामिया की यकीन दहानी पर रोड को खोला गया। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मुल्तान शाहरुख ने आलम एक्स ब्लॉक में एक हफ्ते से सीवरेज का पानी गलियों में जमा। निजाम दरम बरम इलाके में ताफून डेंगी के खदशात बढ़ गए। मकीन और राहगीर सीवरेज के गंदे पानी के बायस परेशान। सादिकाबाद से आपको अपडेट करते चलें। सादिकाबाद चक नंबर 212 के करीब लकी माइंस में 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 7 घंटे गुजरने के बाद भी अमला शिगाफ पुर करने न पहुंच सका। नहर का पानी करीबी आबादी में दाखिल। टेल के काश्तकार नहर में शिगाफ पड़ने से शदीद परेशान। उधर टोंसा बस्ती जड़ लगारी के करीब दरियाए सिंध में पानी का इजाफा। जेर तामीर पुल डूब गया। बर वक्त इंतजाम न करने पर मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बहावलपुर में सरकारी इमारतों की हालत इंतहाई मखदूश। बारिशों के बायस इमारतों को नुकसान का अंदेशा। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ मुतहर्रिक। बहावलपुर के खतरनाक इमारतों बारे फौरी इकदाम जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। सूबाई हलका पीपी 217 जिमनी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। कप्तान का खिलाड़ी नायब कप्तान के रवैये से नाला।
साबिक डिप्टी मेयर असलम सईद कुरैशी का टीम से अलहदगी का फैसला। नून लीग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान, कहते हैं शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के नजरिए से हटकर बात करते हैं। हल्का पीपी 83 खुशाब में ज़िमनी इंतखाबात, मुस्लिम लीग टून इन एक्शन पार्टी को सपोर्ट न करने पर 12 अहदेदारों को बर्खास्त कर दिया गया। साबिक एमपीए आसिफ भा, चौधरी शुजाउर रहमान समेत दीगर शामिल। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सरगोधा शाहनवाज रांझा ने शोकॉज के बाद फैसला सुना दिया। ईद उल अजहा पर इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ इन एक्शन। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी का सरकारी नरखों पर अमल दरामद कराने का हुक्म। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सरकारी रेट्स के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। डेरा गाजी खान जिले इंतजामिया की ईद के तीनों दिन सस्ते आटे की सप्लाई जारी रखने की यकीन दहानी। फ्लोर मिल्स को इजाफी कोटा फराहम कर दिया गया। बिहाड़ी की तहसील बोरेवाला में बरे सगीर पाक व हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग बाबा हाजी शेर का 1321वां उर्स 3 रोजा तकरीबात का आगाज। हजारों की दतमंदों की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और मुल्तान रहीमिया खान कोटाबाद और लैया में बारिश, बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों की खुशी दीदनी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी।